जय हिंद दोस्तों। तो आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आप समझें, गुड न्यूज़ है कि असदुद्दीन ओवैसी को, जिसको पता नहीं किन किन नामों से नवाजा जाता है, लेकिन एक नामों से और नवाजा गया, बेस्ट पार्लियामेंट्री ऑफ 2022। तो आप इससे ये क्या समझ पा रहे हैं कि क्या जितने परसेप्शन बिहार, यूपी और पूरे देश में फैलाया जाता है असदुद्दीन ओवैसी के एवज में, वो सही है नहीं है? तो क्या है खबर, हम आपको सुनाते हैं। और इसमें एक और हैं जो उसको फांसी पर टांगने की बात करते थे, वो हमारे खुशी से वो बिहार के ही हैं जो आज बहुत विवादों में हैं, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार जो कहते हैं, जिन्होंने बिहार के वासी को मारने के लिए और मरवाने के लिए बहुत अच्छी षड्यंत्र रची थी, किसी के साथ मिल करके रची थी। इसको हम इस तरह आपको बयां कर सकते हैं, वो भी आगे स्टेप में आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गुड न्यूज क्या है ये देखें आप। तो गुड न्यूज ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को और ब्रायन को दिया गया सर्वश्रेष्ठ सांसद सम्मान। जानिए किसने दिया यह पुरस्कार। नई दिल्ली पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रागपा प्रमुख शरद पवार के अध्यक्ष वाली एक जूरी ने लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओबेरॉय को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद के तौर पर चुना है। अब इससे आप क्या समझते हैं, एक छोटी मोटी बात है, बेस्ट पार्लियामेंट्री मिलना छोटी मोटी बात नहीं होती है। आज उसी सांसद के तरफ में पूरे देश में घूम घूम करके कहीं पर भी कोई भी एक घटना से जोड़ करके ये बोला जाए कि उसको फांसी पे लटका दिया जाए, तो कितनी दूर तक ये बात सही है? और वो बोलने वाला कोई नहीं, ये महाशय हैं। ऐसी बातों का उपयोग करना, ऐसी चीजों को बोलना और खुद के ऊपर उनके पास जो केसेस हैं उसका उसको समझने होना, किसी कश्मीर को वाले को मारना, किसी के दुकान पे जाना, उससे धांधली करना, मारपीट करना, और इसके बाद अपने आप को अच्छा पत्रकार साबित करना, ये कैसे हो सकता है? और इतने बिहारियों के साथ जान से उनका खेलना, आपने अगर बोला कि बिहारियों को वहां पर मारा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप पत्रकार हैं, आप वहां पर गए, तो आपने एक भी ऐसे लोगों का क्यों ना सबूत दिया कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है? ना ही आप प्रशासन का बात माने, ना यहाँ के प्रशासन, ना वहां के प्रशासन। इसके बाद आप गलत पे गलत, गलत पे गलत, अभी तक आप उस बात पे अड़े हुए हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। आप तेजस्वी यादव से लड़ना चाहते हैं, आप किसी से लड़ना चाहते हैं, आप लड़िए, आपके वह राइट है। पत्रकार का एक दायित्व होता है कि वो सरकार से लड़े, लेकिन किस बिना पे लड़े? इस बिना पे लड़े कि वो झूठ पे लड़े? आपने उसके ही, आपको ऐसे कामों से परहेज करना चाहिए। ये आप खुशी की बात है कि आप 6 मिलियन से ऊपर आपका सब्सक्राइबर है सस्तक न्यूज पर, तो आप अच्छे चीजों को फैलाइए। बिहार का कैसे उद्धार हो वो काम को कीजिए, उसकी गलती को पकड़िए, सरकार की गलतियों को पकड़िए और उसके सामने में रखिए कि आपने ये काम गलत किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि अफवाह में आप साथ दीजिए, आप ये कहिए कि आपका हम 18 महीना में सरकार गिरा देंगे, 9 महीना में सरकार गिरा देंगे। आपको सरकार से क्या, आप पत्रकार हैं, आप नेता नहीं हैं। आप नेता थे, आपने चुनाव लड़ी है एमएलए के, लेकिन अभी आप पत्रकार हैं, ना ही आप इंजीनियर हैं। जब आप अभी पत्रकार हैं तो किसी को, किसी सांसद को खुट्टी में टांग देंगे, किसी को आप मुसलमान नाम बोल दिया तो उसको गाली देंगे, या किसी और को कुछ भी कहेंगे बुरा भला, किसी को माइक मार देंगे, ये बर्ताव अच्छा नहीं होता है। तो कुल मिला के ये बातें हैं कि आज का जो अपडेट खबर है, असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट्री का अवार्ड मिला है, जो बेस्ट पार्लियामेंट्री होता है, बढ़िया पार्लियामेंट्री होता है, यानी बढ़िया सांसद होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर है। क्या इस खबर को पूरे देश में पूरे मेन स्ट्रीम की मीडिया फैला रही है? आज हम ब्लॉगर को इसके ऊपर बोलना पड़ रहा है हमको, जबकि इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। हम ब्लॉग बनाते हैं, हम अपने राज्य, अपने देश का कुछ अच्छे चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं कि दुनिया से हमारे यहाँ आदमी आए और देखे कि क्या क्या है हमारे पास, उसको ढूंढना ना पड़े, उसको खोजना ना पड़े, उसको परेशान ना होना पड़े। लेकिन आज हमको ये न्यूज़ बनाना पड़ रहा है, इस पर बोलना पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। तो जिसका जो काम है उसको वो करना
और बेहतर तरीके से करना ये जरूरी है। और आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपके अंदर वो खासियत है, लेकिन आप इस राजनीतिक से आप दूर हो जाइए, क्योंकि आप राजनीतिक से ऊपर उठ चुके हैं, आप पत्रकार हो चुके हैं और आपको इस राज्य ने बहुत ज्यादा इज्जत दे चुके हैं और पूरे देश ने आपको इज्जत दिया है। तो आप उस इज्जत का मनीष कश्यप जी ख्याल रखें और जातिवाद पे ना जाए, ऐसे वैसे चीजों पे ना जाए जिससे आपका नुकसान हो। जिस तरह आप अभी लगे हुए हैं जातिवाद पे, इससे आपका नुकसान होना है। और प्रशासन को काम करने में सहायता करें, अगर प्रशासन आपको सही से व्यवहार करती है तो, ना तो उसके सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। कोई केस होता है तो प्रशासन करता है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि किस बिना पे हो रहा है आपके ऊपर मुकदमे, ये केस हो रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर ध्यान दें और आने वाले समय में ऐसे कोई भी बयानात जारी ना करें जिससे कि कई आदमी के दिल को ठेस पहुंचे। आज हमको बुरा लगा, तब तो हम बोल रहे हैं कि एक पार्लियामेंट्री को, एक सांसद को जो कि लाखों आदमी ने उनको वोट दिया है, आप उसको फांसी पे चढ़ाने की बात करते हैं, क्यों करते हैं? गलत है ना। हम भी किसी को अगर बोले कि आप उसको फांसी चढ़ा दीजिए तो क्या आप चढ़ा दीजिएगा? ये गंदी बात है, अच्छी बात है? सबका अपना अपना सोच है, समझ है, वो अपने हिसाब से बातें रखते हैं, उसकी मर्जी है, आपकी भी मर्जी है, लेकिन आप किसी को गाली ना दें, आप किसी को बुरा भला बगैर जांच का ना कहें। आज जिस तरह आप अस्त व्यस्त पूरे बिहार और तमिलनाडु को कर दिए, क्या ये सही है? आपके न्यूज़ में, आपके आवाज़ में दम है, इसीलिए तो पूरा दो राज्य हिल गया और चेक इन जाँच सब होने लगा। और कहीं जा कर के आप भी गए चेन्नई कि हम जो है ठीक है, हम जाके चेन्नई दिखाते हैं, आप चेन्नई गए, लेकिन क्या आपने वहाँ पर दिखाया कि वहाँ पर कितने लोगों को मारा गया? आप तो वहाँ पहुँच गए होली के भीड़ में, तो होली में तो हर राज्य से जब हमारे यहाँ का इम्पोर्ट हो रहा है कारीगर, इंजीनियर, डॉक्टर, तो वो तो वहाँ से वापस आएगा ही अपने त्यौहार में घर। अब ईद में आप ना देखिएगा आदमी, दिवाली में नहीं देखिएगा आदमी, तो कब देखिएगा आदमी? जनरल डे दिन जाइए आप, तब देखिए कम है कि नहीं आदमी। लेकिन फिर भी बिहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है आदमी, यहाँ से आदमी को भेजा जाता है, यहाँ पर काम नहीं होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं, यहाँ पर काम की अभी ज़रूरत है। लेकिन क्या हम इस तरह से देश में अस्त व्यस्त फैला करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हमारा भलाई हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते, जय हिंद, जय भारत।